सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। मालपुए के लिए हम लेंगे एक कप आटा, एक कप चीनी, एक कप घी, हाफ लीटर मिल्क प्लस सम आमंड्स फॉर डेकोरेशन पर्पस। सबसे पहले पैन में मिल्क डालें और उसे बॉईल करें जब तक उसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। एंड मेक श्योर कि हम पैन में लगी हुई मलाई को भी यूज करें, उससे मालपुए का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम रिड्यूस मिल्क को एक कंटेनर में ऐड करेंगे और उसके अंदर आटा मिलाएंगे। एंड मेक श्योर हम आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि लम्स ना बने एंड पेस्ट बहुत ही स्मूथ बने। नाउ व्हाइल मिक्सिंग आई फॉरगॉट टू ऐड वन इंग्रेडिएंट व्हिच इज सूजी। तो हम इसमें 2 टीस्पून सूजी डालेंगे क्योंकि उससे मालपुए का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे इस कंसिस्टेंसी तक मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स स्मूथ एंड फ्लोई कंसिस्टेंसी विच इज़ बेस्ट फॉर द मालपुआज। अब हम एक फ्लैट पैन में शैलो क्वांटिटी में घी ऐड करेंगे। साइड में चाशनी के लिए 1 कप चीनी और 1 और आधा कप पानी ऐड करेंगे और उसे बॉईल करेंगे जब तक चीनी घुल के एक तार वाली चाशनी तैयार ना हो जाए। चाशनी में आप खुशबू के लिए इलायची डाल सकते हैं जैसे मैंने डाली है। अब तैयार पेस्ट को स्पून से इस तरह घी में डालें। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम मीडियम पर रहे ताकि मालपुए धीमी आंच में पके। अब इनकी साइज गोल्डन हो जाए तो इन्हें पलट दें और दूसरी साइड से भी पकाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो गए हैं, तो हम इन्हें सीधा चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में हमें इन्हें करीबन 2 मिनट तक रखना है ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए और बीच में आप इन्हें पलटते रहें। अब आप इन्हें चाशनी से निकाल लें और आप देख सकते हैं आपके सॉफ्ट एंड स्वीट मालपुआज आर रेडी टू सर्व।